तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैट्रिक का जो है सेकंड शीट में साइंस यानी कि विज्ञान का जो एग्जाम हुई है, इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 80 तक का 110% करेक्ट आंसर देखेंगे। जो हमारे पास सेट कोड अवेलेबल है, जे हो सकता है आपके पास सेट कोड कुछ भी हो, ए से लेकर जे तक जो है आपके पास सेट कोड कुछ भी हो सकता है, आप लोग आंसर जो है यहाँ पर मिला सकते हैं। सारा का सारा आंसर जो है 110% करेक्ट आंसर जो इस वीडियो में बताऊंगा, आप लोग क्वेश्चन का खोज कर जो यहाँ पर आंसर मिला सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो फटाफट से जो है सारा आंसर की जो है यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन जो है प्राकृतिक सूचक है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे हल्दी, राइट आंसर ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर दिया गया है 2 नंबर, -OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है, तो इसका नाम जो हो जाएंगे आप लोग को एल्कोहल, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न दिया गया है, कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, तो ये क्या देता है, तो ये जो है एथीन देता है, राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर जो है आप लोगों को 3 होती है, राइट आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है, कमर के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, तो ये जो धातु हो जाएंगे आप लोगों को पारा, राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन जो हो जाएंगे आप लोग को क्या, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे मीथेन है, मीथेन जो है सरलतम हाइड्रोकार्बन है, राइट आंसर जो आप लोग को ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 7 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को Na2O हो जाएंगे, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है, बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण है, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को जो है NaHCO3 एवं एसिटिक अम्ल का, राइट आंसर जो है बी सही है 8 नंबर प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से जो यहाँ पर संबंधित है, तो इसका राइट आंसर जो है निमोनिया हो जाएंगे, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है, एंड्रोजन है, एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन जो है यहाँ पर क्या है, तो नर हार्मोन है, राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है, नर हार्मोन। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे आप लोग को क्या, एड्रिनल द्वारा, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 12 नंबर प्रश्न है, एकलिंग पादप का उदाहरण है, एकलिंग पादप का उदाहरण है, तो एकलिंग पादप का उदाहरण जो हो जाएंगे पपीता, राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो 13 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को शुक्रवाही का, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 14 नंबर है, द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन जो यहाँ पर क्या होता है, इनमें से सभी, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 15 नंबर प्रश्न है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, तो टेस्टोस्टेरोन जो स्रावित होता है किसमें, वृषण से, राइट आंसर जो ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 16 नंबर प्रश्न दिया गया, मानव मस्तिष्क का औसत भार है, मानव मस्तिष्क का औसत भार है, तो क्या है, इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को 1.4 kg, राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 17 नंबर प्रश्न, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश जो होता है कितना होता है, तो यहाँ पर जो है -1.6 क्रॉस जो यहाँ पर 10 पर पावर जो है -19 कूलम्ब हो जाएंगे, राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है, तो खिलौनों में जो सेल का उपयोग होता है यहाँ पर सूखा सेल का, राइट आंसर जो है आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 19 नंबर प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर जो है आप लोग को ऊर्जा हो जाएंगे, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन जो है विस्थापन अभिक्रिया एक का जो है उदाहरण है, तो ये जो उदाहरण जो हो जाएंगे आप लोग को सी सही, Fe+CuSO4 जो है FeSO4+Cu हो जाएंगे, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 21 नंबर प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, तो ये जो है सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है यहाँ पर श्वेत होता है, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में लौन कौन है, निम्नलिखित में लौन कौन है, तो निम्नलिखित में लौन जो है NaCl है, राइट आंसर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 23 नंबर है, तृतीय नीला ठोथा का अनुसूत्र है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को ए सही, CuSO4 5H2O हो जाएंगे, राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 24 नंबर प्रश्न है, गंधक की परमाणु संख्या है, गंधक की परमाणु संख्या जो हो जाएंगे आप लोग को सी सही है 16, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच क्या हो सकता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को ये सही है 2। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 26 नंबर है, बेंजीन का अनुसूत्र क्या है, बेंजीन का अनुसूत्र क्या है, तो बेंजीन का जो अनुसूत्र जो हो जाएंगे आप लोग को सी यानी कि जो है C6H6, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 27 नंबर है, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है, तो इसका नाम जो हो जाएंगे आप लोग को क्या है, तो यहाँ पर एथेनॉल, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 28 नंबर है,
CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है, तो ये जो है आप लोग को क्या हो जाएंगे, तो यानी कि एल्किन का राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर है, लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे की परमाणु संख्या क्या हो जाएंगे, तो लोहे की परमाणु संख्या जो हो जाएंगे आप लोग को 26, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 30 नंबर है, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं, तो अन्य तत्व जो है क्या रहते हैं, तो यहाँ पर जो है निकल एवं क्रोमियम रहते हैं, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न है, पीतल है, पीतल है तो पीतल क्या है, तो पीतल जो है मिश्र धातु है, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में यौगिकों में जो है कौन अम्ल है, इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को BH2SO4 हो जाएंगे, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 33 नंबर है, अधातु ऑक्साइड होते हैं, अधातु ऑक्साइड होते हैं तो ये जो अम्लीय होते हैं, राइट आंसर भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न, कार्बन है, कार्बन है तो कार्बन जो है अधातु है, राइट आंसर भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 35 नंबर है, निम्न में कौन सा जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को C2H4, राइट आंसर सी सही है 35 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 36 नंबर है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो हो जाएंगे क्या, C6H6, राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आप लोग को 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है, तो ये जो है हीलियम है, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 38 नंबर है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है, तो ये जो है SB है, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आप लोग को 39 नंबर है, पौधे में श्वसन होता है, तो ये जो है पौधे में जो श्वसन होता है पत्तियों में होता है, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 40 नंबर है, निम्न में स्वपोषी कौन है, निम्न में स्वपोषी कौन है, तो हरे पौधे, राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 41 नंबर है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का जो है प्रयोग किया जाता है, ये जो है नाइक्रोम का, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 42 नंबर, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान जो हो जाएंगे आप लोग को डी, 3.6 × 10⁶ जी हो जाएंगे, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 43 नंबर है, किलो वाट बाई घंटा एक इकाई है, तो किलो वाट बाई घंटा एक इकाई जो हो जाएंगे आप लोग को क्या, तो यहाँ पर ऊर्जा की, राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 44 नंबर प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर जो है कार्य करता है, तो ये जो कार्य करता है यानी कि उष्मीय पर, राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 45 नंबर है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो ये जो जोड़ा जाता है यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएंगे, यानी कि श्रेणी क्रम में और समानांतर क्रम में, राइट आंसर सी सही है, दोनों में जो है जोड़ा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 46 नंबर है, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये जो होता है यहाँ पर क्या, वोल्ट मीटर, राइट आंसर जो आप लोग को क्या सही है, तो यहाँ पर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 47 नंबर है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित जो है करता है, तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को क्या, तो ये जो हो जाएंगे स्थितिज ऊर्जा, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 48 नंबर है, विद्युत बल में कौन सी जो है गैस भारी रहती है, तो ये जो गैस भारी रहती है यहाँ पर निष्क्रिय गैस, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 49 नंबर है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को पीतल। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जो है प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए जो है सही है, तो ये जो है आप लोग को क्या हो जाएंगे, तो 50 का राइट आंसर जो है 2 हो जाएंगे, राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 51 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु के प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह है, तो ये जो है रेटिना है, राइट आंसर 51 का ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो है यानी कि 51 का राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है, यानी कि रेटिना। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 52 नंबर प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, तो म्यू का मान जो होता है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर sin I / sin R हो जाएंगे, sin I / sin R हो जाएंगे, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 53 नंबर प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 cm है, यानी कि 20 cm, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है, तो यह गोलीय दर्पण जो हो जाएंगे आप लोग को उत्तल, राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 54 नंबर प्रश्न है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, ये जो है आप लोग को क्या हो जाएंगे, तो सी सही है, अपवर्तन के कारण जो है गहरा दिखाई देता है, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 55 नंबर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो ये जो है ऋणात्मक होती है, राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 56 नंबर प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में जो है कौन संबंध सही है, इसमें जो संबंध सही है यहाँ पर R = 2f हो जाएंगे, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 57 नंबर है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा जो है दी गई है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को रॉबर्ट ब्राउन द्वारा, राइट आंसर जो है ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 58 नंबर, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो ये जो जमा होता है आप लोगों को किस में, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे स्टोर्स में, राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है
59 नंबर प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा जो है लिखी गई है, तो ये जो है लिखी गई थी किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। राइट आंसर जो है 59 का डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पर 60 नंबर प्रश्न है, पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये जो है कोशिका विज्ञान कहलाता है। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है एक नंबर प्रश्न जो दिया गया यहाँ पर जो है 61 नंबर, मानव हृदय घिरा हुआ है तो ये जो है पेरिकॉन्डियम से जो है घिरा हुआ है। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 62 नंबर है, बीजाणु की जो है ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है, बीजाणु की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है, तो ये जो होता है यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो केमोट्रोपिज के कारण। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 63 नंबर है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, तो ये जो जीवन अवधि होती है यहाँ पर इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर 2 से 3 दिन होता है लेकिन यहाँ पर 2 से 3 महीना दिया गया है, इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, या आपको आंसर इसका पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 64 नंबर प्रश्न है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, तो ये जो पित्त रस स्रावित होता है यहाँ पर यकृत से। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 65 नंबर है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 66 नंबर है, अवतल लेंस का आवर्धन होता है, तो यहाँ पर जो है वी बाई म्यू हो जाएंगे। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 67 नंबर है, दर्पण का सूत्र है, तो दर्पण का सूत्र जो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, दर्पण का सूत्र जो यहाँ पर आई बाई व्यू प्लस आई बाई म्यू बराबर आई बाई एफ हो जाएंगे। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 68 नंबर, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो टिंडल प्रभाव जो प्रदर्शित करता है किसमें करता है, तो ये जो है प्रकाश के प्रकीर्णन में। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 69 नंबर है, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है, तो ये जो कहलाता है यहाँ पर उत्तल लेंस। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 70 नंबर है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है आभासी। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 71 नंबर, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो ये जो है यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 72 नंबर है, डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 73 नंबर है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो ये जो है आप लोगों को मक्खी में नहीं होता है, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 74 नंबर, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 75 नंबर, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, तो अवशेषी अंग जो है यहाँ पर एपेंडिक्स है। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 76 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन जो है ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है, तो ये जो है यहाँ पर प्रोटीन का पाचन है। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 77 नंबर है, मुख्य गुहा में आहार का कौन सा जो है भाग का पाचन होता है, तो ये जो होता है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 78 नंबर, ऑक्सीजन का वाहक कौन है, तो ऑक्सीजन के वाहक जो यहाँ पर RBC है। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 79 नंबर प्रश्न है, रक्त में शर्करा का स्तर जो यहाँ पर नियंत्रित करता है, तो ये जो करता है यहाँ पर आप लोग को इंसुलिन। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 80 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो इसमें जो है आप लोग को तांत्रिक कोशिका हो जाएंगे, यानी कि तंत्रिका कोशिका, तो इसका राइट आंसर जो है आप लोग को सी सही है। तो इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 80 तक जो है यहाँ पर 110% जो है सारा का सारा 110% करेक्ट आंसर है। आपको किसी भी क्वेश्चन में जो है डाउट नहीं करना है, सारा का सारा जो है 110% जो है सही एवं सटीक जो है आंसर।